दिग्गज यार कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों हमको पता है कि जब हम एक नया चैनल क्रिएट करते हैं उस पर हमारे जो व्यूज आते हैं वो 2 आते 3 आते 4 आते, इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाते। यूट्यूब हमारी वीडियो को लोगों के पास नहीं पहुँचाता, तो यहाँ पर हमको करना क्या होगा जिससे यूट्यूब हमारी वीडियो को लोगों के पास पहुँचाए और जो 2 3 4 व्यूज थे उनको 100 200 में कन्वर्ट कर लें। तो इस प्रकार से आपके लिए मैं कुछ सिंपल ट्रिक देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने व्यूज को यहाँ पर इंक्रीज कर लेंगे। और गाइस आप बहुत ज़्यादा ये गलती करते हैं कि अपनी वीडियो को लोगों के पास शेयर करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि यूट्यूब वीडियो आपके क्यों नहीं वायरल होती, स्टार्टिंग में इसलिए वायरल नहीं होती है क्योंकि एक तो नया चैनल होता है जिसकी रीच डाउन होती है और दूसरा नया क्रिएटर होता है जो अपनी वीडियो को अच्छी तरीके से शूट नहीं कर पाता, जिससे वो वीडियो में इतने ज़्यादा कट हो जाते हैं जो लोग उस वीडियो को स्किप कर करके 20% ही ऑडियंस रिटेंशन देते हैं, तो जिसकी वजह से आपकी वीडियो को जो रीच है वो यहाँ पर डाउन हो जाती है, चैनल की भी रीच है वो यहाँ पर डाउन हो जाती है। तो कुछ सिंपल ट्रिक देने वाला हूँ इसकी मदद से आप अपने चैनल के व्यूज़ भी इंक्रीज कर पाएंगे और अपने चैनल को यहाँ पर इजीली ग्रो भी कर पाएंगे। तो अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, साथ ही बिना स्किप किए वीडियो को पूरा एंड तक देखना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज के इस कमाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कल नया नोटिफिकेशन बेल फॉर पर सेट कर देना, क्योंकि आपको पता है इस चैनल पर आपको इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और हेल्पफुल वीडियो मिलते रहते। चलिए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब हम एक नया चैनल क्रिएट करते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी वीडियो को व्यूज लाने के लिए 2 3 व्यूज लाने के लिए हम अपनी वीडियो की लिंक को फ्रेंड के पास शेयर करते हैं, रिलेटिव के पास शेयर करते हैं, ऐसे प्रकार से आप अपनी वीडियो की लिंक को शेयर करते हैं। अब यहाँ पर लिंक को शेयर करेंगे वो लोग आपकी वीडियो पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपकी वीडियो को छोड़ेंगे और चले जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि आप एक नए क्रिएटर हैं आपकी वीडियो इतनी अच्छी नहीं बन पाई जो उनको आपकी वीडियो देखने में मजा आए और आपकी वीडियो में देखने से उनको कुछ नॉलेज मिले, तो इसलिए वो वीडियो को क्लिक करते और छोड़कर चले जाते हैं। पहला यही डिफेक्ट हो गया कि आपकी वीडियो को पूरा वॉच नहीं किया, जिससे आपका जो ऑडियंस रिटेंशन है वो इतना ज़्यादा डाउन हो जाता है कि जो 20% भी नहीं आ पाता है। फर्स्ट रीजन यही होगी। और दूसरा रीजन जो है वो दोस्तों है आपका एक्सटर्नल सोर्स। यूट्यूब के एनालिटिक्स में आपकी वीडियो की जो परफॉर्मेंस आएगी वो दोस्तों आएगी एक्सटर्नल सोर्स से। अब दोस्तों एक्सटर्नल सोर्स से जब आपकी वीडियो की परफॉर्मेंस आएगी तो यूट्यूब का SEO आपकी वीडियो को खुद ही डाउन कर देता है, क्योंकि यूट्यूब को पता चलता है कि ये बंदा खुद अपनी वीडियो को लोगों के पास शेयर करता है, तो इसमें कुछ अच्छा टैलेंट नहीं है जो लोग इसकी वीडियो को सर्च नहीं करते बल्कि ये लोगों के पास पहुँचाता है, तो इसकी वजह से आपकी वीडियो जो यहाँ पर डाउन हो जाती है। पहला रीजन ये है कि आप अपनी वीडियो को शेयर करते हैं। तो वाइस आज से आपको अपनी वीडियो को किसी भी फ्रेंड के पास शेयर नहीं करना, ना ही किसी रिलेटिव के पास शेयर करना। मैं दो ट्रिक आपको बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपनी खुद की वीडियो को खुद से वायरल कर सकते, खुद से अपनी वीडियो की परफॉर्मेंस अच्छी खासी कर सकते और ऑडियंस रिटेंशन की बात करें बहुत ही हाई आ जाएगा। तो पहले ट्रिक बताने वाले, पहली ट्रिक कौन सी है दोस्तों, जब आपने चैनल क्रिएट किया हुआ तो आप बहुत ज्यादा टॉपिक कवर किए होंगे, दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो इस प्रकार से बनाई होंगी, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ऐसे टॉपिक सर्च करने, शायद मैंने आपको कई बार बताया कि स्टार्टिंग में आपको टॉपिक ऐसे सर्च करने हैं, ऐसे फाइंड करने, ऐसे कवर करने जो दोस्तों ज्यादा सर्च किए जाते हैं, जैसे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, वॉच टाइम कैसे बढ़ाए, थंबनेल कैसे बनाए, ऐसे जो टॉपिक होते हैं वो ज़्यादा यूट्यूब पर सर्च किए जाते हैं। इन टॉपिक की वीडियोस पर जो व्यूज आते हैं वो दोस्तों यूट्यूब सर्च से ही आते हैं। मान लीजिए आपके 2 3 4 इस प्रकार से व्यूज आते हैं, अब यहीं पर अगर आपकी कोई सी वीडियो सर्च में आ जाए, मान लीजिए सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए इस पर आपने वीडियो बनाई, अगर वो सर्च में आ जाए तो शायद आपके 2 3 नहीं बल्कि 200 300 व्यूज आ जाएंगे। तो दोस्तों पहले ट्रिक यही होगी कि आपको स्टार्टिंग में कुछ ऐसे टॉपिक यहाँ पर कवर करने हैं जो लोग आपकी वीडियो को सर्च करके देखे, जो सर्चिंग से ज़्यादा देखे जाते हो। दूसरी ट्रिक की बात करूँ दोस्तों, दूसरी ट्रिक बहुत ही अच्छी है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि जब हम अपनी वीडियो को शूट करते हैं, अपलोड करते हैं, उसके बाद में 2 व्यूज आते हैं तो यार डीमोटिवेट हो जाते हैं, और 2 व्यूज आने के बाद उस वीडियो का जो एंगेजमेंट होता है, उस वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन होता है बहुत ही डाउन होता है। डाउन की वजह ये कि आप नए क्रिएटर हैं, आप अपने वीडियो को अच्छी तरीके से शूट नहीं कर पाते, आपकी वीडियो को 20% ही लोग वॉच कर चले जाते हैं। तो सेकेंड ट्रिक क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको खुद से अपनी वीडियो को वॉच करना है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि यार खुद से अपनी वीडियो को वॉच करना तो हर एक क्रिएटर में ना करता है कि आप खुद की वीडियो को आप खुद नहीं वॉच करो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तब तक आप अपनी खुद की वीडियो को वॉच कर सकते हैं, बट यहाँ पर अपने खुद के चैनल से नहीं वॉच करना। अपने फोन में आपको 5 जीमेलें बना लेने हैं, 5 जीमेलें आपको सिंपल बना लेनी है। अब 5 जीमेल में अगर आप एक एक बार अपनी वीडियो को वॉच करेंगे तो 5 व्यूज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको मैं अपनी ट्रिक से बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको अपनी वीडियो को वॉच करना है।
दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपल 5 जीमेल अपने फोन में बना लेनी। इसके बाद में मैं दोस्तों यहाँ पर आपको लाइव मोबाइल स्क्रीन पर ओपन कर लेता हूँ, जिसके बाद में आपको सारा कुछ सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर। यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए कोई सी वीडियो है, जैसे मैंने यहाँ पर मान लिया सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, इस पर हमने वीडियो बनाई है, तो सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए इस पर हमने क्लिक किया। इसके बाद में अगर हमारी वीडियो सर्च में आती है तो सही है, वरना नहीं आती तो यहाँ पर फिल्टर पर हमने आपको बताया था कि फिल्टर पर जाने के बाद आपको लास्ट आवर को सिलेक्ट कर लेना और अपनी वीडियो को यहाँ पर ले आना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप खुद की वीडियो को तो सर्च आप कर ही लेंगे, ढूंढ भी लेंगे, अगर ऐसा नहीं मिलते तो चैनल से आप ढूंढ लेंगे। तो सिंपली यहाँ पर दोस्तों आपको ये पता है, यहाँ पर हमारा जो वीडियो है यहाँ पर आ जाती है। तो जैसे ही वीडियो आती है यहाँ पर हमको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी ट्रिक है। जैसे ही दोस्तों ये वीडियो चलने लगी है यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों अपनी वीडियो को फुल वॉच कर लेना है। जैसे इस जीमेल पर, पहली जीमेल पर ये वीडियो चल रही है, अब इसको यहाँ से फोन को रख देना है, साइड में फोन को रख देना है। इसके बाद में दोस्तों इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेना है। अब दोस्तों ये जो वीडियो को 7 मिनट की, तो 7 मिनट तक आप किसी भी फोन को रख सकते हैं, इस वीडियो को ऐसे ही चलने देना है। इसके बाद में दोस्तों जब आपकी वीडियो लास्ट में आ जाए आपको बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, लगातार चलते जाना है। जब दोस्तों ये वीडियो लास्ट में आ जाए इस वीडियो को लाइक कर देना, यहाँ से लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और शेयर पर क्लिक करने के बाद कॉपी कर लेना है। लिंक को सिर्फ कॉपी करना है, किसी के पास शेयर नहीं करना है। दोस्तों इस प्रकार से YouTube का लगेगा यार इस वीडियो में कुछ तो है, जो बंदा पूरी वीडियो को वॉच करता है और वीडियो को वॉच करने के बाद लाइक करता है और कमेंट करता है और शेयर भी करता है, तो इस वीडियो में बहुत ही अच्छी नॉलेज होगी, जिससे इस वीडियो को ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाओ। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचने लगेगी। अब दोस्तों ये वीडियो पूरी हो चुकी है, यानी कि इस जीमेल से इस वीडियो को पूरा वॉच कर लिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि दूसरे जीमेल को ओपन कर लेना, उसी प्रकार से अपनी वीडियो को फाइंड कर लेना और फिर से उस वीडियो को लगातार वॉच कर लेना है, और लास्ट जाने के बाद उस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट एक प्यार सा कर देना और शेयर पर क्लिक करके उसको कॉपी कर लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको 5 जीमेल मिल गई, यानी कि 5 यहां पर व्यूज मिल गए। यहां पर दोस्तों दिन में आपको 50 बार नहीं देखना, दिन में आपको 2 बार देखना, एक सुबह के टाइम पर देखना और एक शाम के। अगर आप रेगुलर वॉच करते रहेंगे तो ना ही आपका व्यूज काउंट किया जाएगा और ना ही आपका लाइक काउंट किया जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर पहले देख लेना और 4 से 5 घंटे के बाद में फिर से हम वॉच करेंगे तो फिर से उस वीडियो का व्यूज मिल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर आपकी 5 जीमेल हैं, 5 जीमेल हैं तो 5 × 2 = 10, यानी कि 10 व्यूज आपको एक दिन में मिल जाएंगे। तो अगर 2-3 व्यूज आते थे, अब यहाँ पर 10 व्यूज आने लगे, वो भी दोस्तों ऑडियंस रिटेंशन फुल आएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर आप अपनी वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो ऑडियंस रिटेंशन है वो बहुत ही अच्छा आएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको अपनी वीडियो को दिन में 2 बार देखना और 10 व्यूज यहाँ पर गेन करने। अब जब दोस्तों आप खुद से 10 व्यूज गेन कर लेंगे तो यूट्यूब भी 10 व्यूज आपको देगा, और कैसे देगा, जो मैंने आपको ट्रिक बताई कि अपनी वीडियो को पूरा वॉच करना, लाइक करना और एक कमेंट करना और शेयर भी करना, जिससे YouTube का एल्गोरिथम है वो आपकी वीडियो को खुद ही लोगों के पास शेयर करेगा। तो दोस्तों ये ट्रिक बहुत ही बेस्ट है, इनको अगर आप अपनाएंगे तो शायद आप अपने वीडियो को अच्छी तरीके से वायरल कर लेंगे। दोस्तों अगर आप एक नए क्रिएटर तो इतनी अच्छी आप अपनी खुद की वीडियो को शूट नहीं कर पाएंगे, जिससे लोग आपकी वीडियो को पूरा वॉच करें। अब यूट्यूब का एल्गोरिथम मान लीजिए 20 लोगों के पास पहुँचाए व्यूज और आ गए, तो आपका जो ऑडियंस रिटेंशन है वो यहाँ पर डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो लोग आपकी वीडियो में इंटरेस्ट क्यों नहीं रखते होंगे, क्योंकि आपकी वीडियो अच्छी तरीके से शूट की हुई नहीं है और आपने नॉलेज अच्छी नहीं दे पाई है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो ऑडियंस रिटेंशन है वो डाउन हो जाएगा। इस पर भी एक डिटेल में वीडियो आने वाली, जिसकी मदद से आप अपने ऑडियंस रिटेंशन को इंक्रीज कर पाएंगे। जल्दी वीडियो आएगी, इस वीडियो में इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लार्ज हो जाती और यहाँ पर देखना पसंद लोग नहीं करते। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि अपना जो गिरा हुआ ऑडियंस रिटेंशन होता है, जो डाउन होता है, उसको कैसे इंक्रीज करें, तो वो भी वीडियो आपको आगे मिल जाएगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आगे भी आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगे कमेंट में जरूर बता देना, और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। तो गाइस आज के इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड टेक केयर।